है ना, सरकार की आंखें इधर नहीं खुलती है क्या? नहीं खुलती है, कहां कहां खुलती है? नीतीश कुमार जी बड़े बड़े पुलों का, बड़े बड़े सड़कों का शिलान्यास करते हैं, कभी आकर अररिया जिला के सिक्की प्रखंड में आकर पड़रिया और कालू चौक का ये पुल है, इसका भी शिलान्यास कर दिए माननीय मुख्यमंत्री। मित्रों नमस्कार, मैं खुर्शीद अनवर, आप देख रहे हैं खास खबरें बिहार, जहां देश की सरकार और प्रदेश की सरकार विकास की बात करते हैं। मैं आज इसी बिहार में मौजूद हूं और मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं यहां पर दोस्तों। कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा कि इस लोहे के पुल को दिखाने का काम करें आप, ये लोहा का पुल है दोस्तों। आपको मैं बता दूँ कि ये सिक्की अररिया जिला के सिक्की में हूँ मैं, और सिक्की प्रखंड का ये कालू चौक के समीप ये पुल है, और आज भी यह पुल जो है अपनी खस्ता हालत को बयां कर रही है और रो रही है, और यहाँ पर आवागमन करने में लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। एक प्रकार से अगर मैं आपको बोलूँ तो दोस्तों इसको मौत का भी पुल कहा जा सकता है, चूँकि अगर जब आप इसमें आएंगे तो आप कब गिर जाएंगे नीचे, कहीं कोई इसकी गारंटी नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूं, वहां पर पुल बन रहा है और पुल का निर्माण पता नहीं कब से हो रहा है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन सुशासन बाबू की सरकार में ऐसा ही विकास होता है। हालांकि विकास ऐसा होता है कागजों में हो जाता है, लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पर जाइएगा मित्रों तो विकास ऐसा ही होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाता है, लेकिन आज भी ये जो है पुल जो है अपनी खस्ता हालत कर रही है। चलिए, यहाँ के ग्रामीण हैं बहुत सारे लोग, इन सब से बात करना चाहते हैं। सर ये बात बताइए, आपका क्या नाम हुआ? सर साबिर आलम नाम हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? यही है, कालू चौक पड़रिया, यही है। और इसी पुल से, इसी मौत के पुल से आना जाना करना होता है? मगर ये पुल देखो ना, हिल रहा पूरा, देखे ना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा वजन वाला अगर कोई गाड़ी आ जाए, चार चक्का फोर व्हीलर, तो क्या होगा सर? वो निकलने वाला है, पूरा नीचे आ जाएगा। अचानक आज नदी में जो है कि बाढ़ आ गया, कब से है ये पानी इतना? ये पानी आज के आया, पहले भी आया था, आज भी आया है। अच्छा, मगर बड़ा मुश्किल से लोग चलता है यहाँ पे। चलता है ना, सरकार की आंखें इधर नहीं खुलती है क्या? नहीं खुलती है, कहाँ कहाँ खुलती है? नीतीश कुमार जी बड़े बड़े पुलों का, बड़े बड़े सड़कों का शिलान्यास करते हैं, कभी आकर अररिया जिला के सिक्की प्रखंड में आकर पड़रिया और कालू चौक का ये पुल है, इसका भी शिलान्यास कर दिए माननीय मुख्यमंत्री जी। आइए यहाँ पर चाचा जी है, क्या नाम है चाचा जी आपका? अतवाड़ी नाम है। अतवाड़ी। अच्छा, ये पुल का स्थिति ऐसे है, बद से बदतर, दैसे दैनीय? ऐसे है पुल। कब से है ऐसा? ये जिस दिन से बना उसी दिन से ऐसे ही है। अच्छा, जाते आते हैं तो आप लोगों को डर ना लगता है क्या? डर तो बहुत लगता है। हाँ, डर बहुत लगता है। ना लगता है डर? डर लगता है ना। अच्छा, इसको जो हम मौत का पुल बोले तो गलत बोले कि सही बोले? सही, सही बोले। सही बोले? सही बोले। हाँ, गलत तो ना बोल दिए? नहीं, सही बोले। क्या बोले सर? देखिए ना कैसे तूफान में चल रहा है। अच्छा, खुदा ना खास्ता कि ये पुल जो डैमेज हो जाएगा तो आदमी कितनों का जान ले लगा। ये अगर आज यह पुल गिर जाए, वो भी पुल बना हुआ नहीं है, स्थिति क्या होगा यहाँ? बहुत बुरा हालत होगा, बहुत बुरा हाल। फिर नाव में चलेंगे, नाव फिर पानी में डूबेगा, लोग मरेंगे। सही बात है, सही बात है। सरकार को क्या लगता है, नेता साहब एसी वाले गाड़ी में घूमते हैं, मर्सिडीज फरारी में घूमते हैं? वो तो घूमेगा ही, हम लोग साइकिल ले है तो। अच्छा दोस्तों देखिए, ये जो पुलवा है, आवागमन की बात करें तो काफी लोग, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, क्योंकि ये जो मार्ग है ना, ये सिक्की को जोड़ती है, कलियागंज और सिक्की को जोड़ने वाला ये मात्र मुख्य मार्ग है। यानी हम बात करें पलासी और सिक्की, दो विधानसभा को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और आपको यहाँ की तस्वीर मैं साझा कर रहा हूँ आपसे, एक ऐसी तस्वीर से आपको रूबरू करवाता हूँ जो दिल को दहला देगी। अगर एक बात बताइए चाचा जी, ये पुल अगर टूट के गिर जाए, इतना पानी है, बाढ़ आया हुआ है, टूट के गिर जाए तो क्या स्थिति होगा? मौत होगा। क्या हाल होगा लोगों का? मौत होगा, मौत होगा। वो सामने पुल है, पता नहीं कब से उस पुल का निर्माण चल रहा है, होगा कि नहीं होगा, इसकी भी 0% गारंटी नहीं है। कब से वो पुल बन रहा है सर? पुल कम से कम 8-9 महीने से हो रहा है। 8-9 महीने से हो रहा है, अभी तक नहीं बना? अभी तक नहीं बना। किसकी गलती है, लापरवाही किसकी है? वो ठेकेदार का जो टेंडर लिया है उसका। अच्छा,
बाकी जो है आप लोग आवाज ना उठाते हैं, उठाएंगे सर, हम लोग तो छोटा मोटा इंसान है, हम लोग खेती बाड़ी से। लेकिन संविधान ने राइट टू स्पीच का हक सबको दिया है, अभिव्यक्ति की आजादी, हक बात बोलने की, हक बात कहने की आजादी सबको दिया है, आप लोग आवाज क्यों ना उठाते हैं इसके खिलाफ? आवाज तो कि यहाँ जो बड़े बड़े नेता है, जो बड़े बड़े ये है, उसको आवाज उठाना चाहिए। विधायक जी कभी इधर से गुजरते हैं साहब जी? विधायक साहब कभी कभी गुजरता है, उनकी नजर ना पड़ती है क्या? पड़ता है कि नहीं? कौन है विधायक आप लोगों का? हमारा विधायक तो ये अभी विजय मंडल जी, विजय मंडल है। आपको विधायक जी का भी नाम शायद नहीं? हमको नाम पता नहीं, हम लोग कभी आते हैं बाहर से ना। अच्छा, सरकार को क्या संदेश देंगे यहाँ से, इस ये नज़ारे से क्या कहेंगे सरकार को? जल्दी बनना चाहिए कि नहीं ऐसे रहना चाहिए? ना, जल्दी बनना चाहिए, बनना चाहिए जी। अगर गिर जाएगा ये पुलवा, आप लोग कैसे चलेंगे? वही तो कह रहे हैं सरकार से कि जल्दी इसको बनाइए, वो बड़ा वाला पुल भी बनाइए। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे भाई हैं। अच्छा भाई, एक बात बताइए, पहले बात ये, मौत का ये पुल है और जाते आते हैं, डर ना लगता है क्या आपको? डर तो लगता है, वो भी हम पहली बार आए, हम नेपाल से हैं। नेपाल से हैं, डर ना लगता है आपको? वो तो डर तो लगता है, यहाँ सुनिए, बहुत डर लगता है। सुनिए ना भैया, हल्का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, यहाँ का जो मुखिया विधायक है ना, उन लोग का भी बनता है, वो लोग ना रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता है। अच्छा, थोड़ा है ना, आप लोग जैसे कि देखिए, यहाँ का जनता का भी गलती है। हाँ। ठीक है, आप जैसे कि देखिए, वो लोग कुछ नहीं कर रहा था, हम लोग आवाज उठा सकते हैं ना भाई। अच्छा। ये लोग है ना शांत होकर बैठता है अपने ही विधायक है। दोस्तों, इंडिया एक ऐसा देश बन चुका है, बिहार एक ऐसा प्रदेश बन चुका है, जहाँ पर हक आपको लड़ करके लेना पड़ेगा। तारीख लड़कर लीजिए, कोर्ट में जाकर लीजिए, कटहरी में जाकर लीजिए, या प्रशासन के पास जाइए, या शासन के पास जाइए, आपको हक मांग कर लेना पड़ेगा। आपको हक, आपको न्याय कोई दिलाएगा नहीं। यहाँ पर देखिए, गाड़ी चल रही है, इसकी 0% अभी मैं भी गिर जाता दोस्तों, 0% भी गारंटी नहीं है कि लोग बचेगा या मरेगा। बहुत सारे लोग हैं, आइए यहाँ पर, हमारी कुछ माँ बहन है, इनसे बात। अच्छा, आप लोग जो जा रहे हैं ये पुलवा में, आपको डर ना लगता है? डर लगता है कि? डर लगता है, गिर जाइएगा तो क्या होगा, चले जाएगा। हाँ, वहाँ पुलवा भी ना बना हुआ, ये पुल टूट गया, इतना पानी है, गिर जाइएगा तो क्या होगा, चला जाएगा। कौन दोषी होगा फिर, मर जाइएगा तो? सरकार वोट देते हैं सरकार को, पुलवा ना बनाता है, नहीं बनाता है कि है? नहीं बनाता है, क्या कहेंगे आप? चाची, खाली फूने में हलो हलो करेंगे, अपने हक के लिए लड़ ले दोस्तों, आवाज उठाइए, हक के लिए लड़िए और प्रदर्शन कीजिए, धरना कीजिए। मैं खुर्शीद अनवर आपसे विदा लेता हूँ, जय हिंद, जय भारत।